हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर तो वेनएवर जब भी हम कोई वायर को स्ट्रेच करते हैं राइट तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है दैट इज द वायर विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज तो रीगेन करने के लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी आई कहाँ से तो जब भी हमने उसको खींच के स्ट्रेच किया तो जो भी हमने वर्क किया वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है राइट सो लेट इज एज्यूम वी हैव अ मेटल वायर हुज़ एल यंग्स मॉड्यूलस इज वाई राइट एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए सो वी नो दैट वाई इज इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल तो जो हम फोर्स देते हैं लेट इस एज्यूम कि उसको हमने जो फोर्स दिया है उसको हमने एलोंगेशन सिर्फ एक्स किया है एक्स जो है वो एकदम वेरी स्मॉल एलोंगेशन है तो उस टाइम पर फोर्स कांस्टेंट रहेगा वरना जो फोर्स है वो जैसे जैसे जितना ज्यादा एलोंगेशन करना है उतना हर बार ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा मीन्स यहाँ जो फोर्स है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो लेट एज्यूम के हमने ये जो वायर है राइट इस वायर को हमें सिर्फ एक्स से एलोंगेट करना है जो एक्स है इज़ अ वेरी स्मॉल एलोंगेशन सो लेट अ वायर इज स्ट्रेच बाय एक्स तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या थोड़ा सा स्ट्रेच करने में जो वर्क लगेगा दैट इज़ वर्क डन इज एफ इंटू डी एक्स एफ डॉट डी एक्स अभी फोर्स कितना मिला हमें वाई ए एक्स बाई एल वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स टोटल वर्क डन देखिए हम यहाँ इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं डायरेक्टली फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट क्यों नहीं लगाते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि फोर्स यहाँ वेरिएबल है तो अगर वेरिएबल सिस्टम है तो या तो इंटीग्रेशन है या तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को ऐड करना है वर्क के तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टोटल वर्क डन स्ट्रेचिंग वायर बाय डेल्टा एल अभी हमें इसको स्ट्रेच करके डेल्टा एल तक स्ट्रेच करना है तो टोटल वर्क कितना लगेगा डेल्टा एल तक स्ट्रेच करने में सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल्टा एल डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू क्या मिला हमें वाई ए एक्स एल डी एक्स अभी यहाँ वाई ए बाई एल को बाहर ले लो एक्स डी एक्स अंदर है एक्स रेस टू वन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेस टू टू बाई टू और लिमिट है जीरो टू डेल्टा एल तो डेल्टा एल को यहाँ पुट कर दो तो वर्क डन हो जाएगा हमारा हाफ वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाय एल दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम जो है अभी यहाँ डबल यू की जगह यू लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वर्क है ये किस में स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में अभी यहाँ ये खत्म नहीं होता है ये जो इक्वेशन है उसके कहीं सारे फॉर्म हैं कुछ फॉर्म तो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं तो अभी इसको क्या इसको सिर्फ फिर से लिखा है अभी इसको रीअरेंज करते हैं तो अभी हमने यहाँ जो इक्वेशन देखी थी वो क्या थी हमारी एफ इज इक्वल्स टू वाई ए फिर यहाँ था डेल्टा एल बाई एल यहाँ जो डेल्टा यहाँ एक्स था अभी उसको डेल्टा एल ले लो तो ये जो है ये हमें हमारे पास ऑलरेडी है तो जहाँ भी मैं ये फॉर्म देखूंगा वाई ए डेल्टा एल बाय एल उसकी जगह मैं एफ लिख सकता हूँ तो यहाँ देखिए वाई ए ये डेल्टा एल स्क्वायर है तो इसको डेल्टा एल डेल्टा एल लिख दो तो वाई ए डेल्टा एल बाय एल तो एफ हो गया तो हाफ फोर्स इंटू एलोंगेशन तो हमें पता है वर्क इजिकल्स टू क्या होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट तो यह हो जाएगा हाफ फोर्स इंटू एलोंगेशन तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्मिंग दूसरी इक्वेशन है ये इक्वेशन हमने डिराइव की है और इसमें से ये इक्वेशन हमने ऑप्टेन की है तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है तो आप ईजी करने के लिए अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं रखनी है तो आप ये इक्वेशन याद रख सकते हैं कि हाफ फोर्स इंटू एलोंगेशन अभी इसको और एक फॉर्म में लेके जाते हैं जैसे यहाँ हमारे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ क्या है हमारे पास u इज इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इन् ए अभी डेल्टा l को खोल दो तो हो जाएगा डेल्टा l इंटू डेल्टा l और यहाँ है हमारे पास बाई एल अभी क्या करना है यहाँ इसको देखो रीअरेंज किया है मैंने तो अभी हम क्या करेंगे कि इस टर्म को l से मल्टीप्लाई करते हैं और l से डिवाइड करते हैं कोई भी इक्वेशन में अगर आप एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड करते हो तो जो उसका रिजल्ट है आउटपुट है वो सेम रहेगा तो हमने एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड किया देखो ये सेम है राइट right? अभी हमें पता है कि जो स्ट्रेन है उसका सिंबल एप्साइलॉन है वो लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल तो यहाँ आपको दिख रहा है डेल्टा एल बाई एल यहाँ भी दिख रहा है डेल्टा एल बाई एल राइट देखो यहाँ मैंने लेबल किया है डेल्टा एल बाई एल डेल्टा एल बाई एल तो वो तो स्ट्रेन हो गया तो हम लिख सकते हैं हाफ वाई स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन स्ट्रेन स्क्वायर और एरिया इंटू लेंथ ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो यहाँ हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इस इक्वेशन का और एक फॉर्म है यहाँ पर जो यंग्स मॉड्यूलस है हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो यहाँ हम वाई की जगह स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखते हैं हाफ तो एज इट इज़ है और एप्साइलॉन स्क्वायेर यानी स्ट्रेन स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर और स्ट्रेन कट हो जाएगा तो यहाँ ये इक्वेशन जो वेल नॉन इक्वेशन है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम अभी यहाँ क्या करते हैं कि वॉल्यूम को नीचे ले लेते हैं वॉल्यूम को नीचे ले लेते हैं तो जो टोटल एनर्जी है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एनर्जी डेंसिटी क्या मिलता है एनर्जी डेंसिटी तो टोटल टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो हमें जो मिला वो मिला एनर्जी डेंसिटी तो यहाँ से वॉल्यूम को नीचे ले लो तो मिल गई एनर्जी डेंसिटी तो हम लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन तो ये इक्वेशन भी आपने कहीं देखी होगी कि जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर है वो हम लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन तो ये इक्वेशन आ गई अब यहाँ पर आप ये जो इक्वेशन है यहाँ पर भी वी को नीचे ले लो तो ये हो जाएगा यू बाई वी यानी ये भी हो गया एनर्जी डेंसिटी यू इज इक्वल्स टू हाफ यहाँ हो गया वाई इंटू एप्साइलॉन स्क्वायर राइट सो so, यहाँ ये इक्वेशन भी ऑप्टेन कर ली ये भी ऑप्टेन कर ली अभी हमें ये ऑप्टेन करनी है तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन थी ये वाली आप या तो इसका यूज कर सकते हैं राइट ये इक्वेशन में क्या था हमारे पास हाफ यू इज इक्वल्स टू हमारे पास है यू इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम हमें पता है Y इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन राइट right? तो यहां अगर आप स्ट्रेन को सब्जेक्ट करते हैं तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय वाई तो यू इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस बाय वाई तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई इनटू वी तो हमारे पास एनर्जी के लिए और एक इक्वेशन आ गई अभी इतनी सारी इक्वेशन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ तो जब भी आप नीट या जेई के आपके स्कूल्स में इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस पेपर देते हैं तो जो आंसर्स है उसमें कहीं यंग्स मॉड्यूलस और सिर्फ स्ट्रेस दिया होता है कहीं यंग्स मॉड्यूल्स नहीं दिया होता है स्ट्रेन और स्ट्रेन दिया होता है कहीं फोर्स दिया होता है कहीं फोर्स एलोंगेशन दिया होता है तो आप अलग अलग इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं और एक एम भी आता है जिसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी की है तो कहीं आपको तो एक ही पता होती है कि हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ये वाली ये वाली भी वही इक्वेशन है और आप इसको यहाँ ले लो तो ये भी हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी यू इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई राइट right. तो so, ये तीनों जो इक्वेशन है वो एनर्जी डेंसिटी की है तो so, अगर तीनों इक्वेशन दी है और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी फॉर अ स्ट्रेच वायर देन दैट केस ऑल थ्री आर करेक्ट सिमिलरली अगर पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर सो आपके पास ये इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपके पास फिर ये इक्वेशन है आपके पास फिर आपके पास ये इक्वेशन है और आपके पास ये इक्वेशन है तो so, इतनी सारी इक्वेशन है आपके पास थैंक यू स्टूडेंट्स